राजधानी को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद राजधानी की सड़कें हैं पूरी तरह स्मार्ट और हाईटेक हो चली हैं। इसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से तैयारियां भी की थी और वो सफल भी हुई हैं। लेकिन साल 2021 जिस तरीके से गया है तो उसी तरीके से साल 2022 का जो आगाज़ हुआ है इसको लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने भी अपना एक एक्शन प्लान तैयार किया है ताकि आने वाले समय में शहरवासियों को जो जाम की समस्या हो रही है उससे निजात दिलाया जाए। जी हाँ, हमारे साथ बात करने को मौजूद है DCP ट्रैफिक। आइए उनसे बात करते हैं कि 2022 का जो एक्शन प्लान है उसको लेके ट्रैफिक को लेके क्या क्या बदलाव होने हैं और कैसे जनता को सहूलियत दी जाएगी। जी सर दो अब जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो एक्शन प्लान बनाया है उसको किस तरीके से सड़क पर चले जनता है उसे जहाँ से निजात दिलाई जाए। देखिए, लखनऊ शहर काफ़ी विस्तार ले रहा है, आप देख रहे हैं, और उसमें व्हीकल्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। हम सब ट्रैफिक पुलिसमैन और सिविल पुलिस सब लोग मिल करके एक बेहतर व्यवस्था जनपद को देने के लिए, कमिश्नरेट को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसके लिए हमने अपनी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उनको व्यवस्थित किया है, समय के हिसाब से व्यवस्थित किया है, हमारा जो पीक टाइम है उसके हिसाब से व्यवस्थित किया है। इसके अलावा जो हमारा यातायात नियंत्रण का काम है, विभिन्न चौराहों पर जो भी हमारी ड्यूटीज़ लगी हैं वहाँ पर हमने फोर्स को बढ़ाया है। अलावा इसके जितने भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उसके लिए भी परिवर्तन के लिए टीमें बनी हैं। ITMS जो हमारा बहुत ही सुदृढ़ माध्यम आने वाले समय के लिए है उसको और विस्तार दिया जा रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, और हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं विभिन्न चौराहों की कि हमारे ट्रैफिक का फ्लो क्या है, कहाँ कहाँ पर कितनी भीड़ होती है। इसके अलावा जो लोग वायलेशन करते हैं यातायात नियमों का उस पर भी हम उसके माध्यम से नियंत्रण कर रहे हैं। सर एक छोटा सा एक सवाल है, जिस तरीके से एडवांस सिस्टम की तरह से जो चालान कट रहे हैं लेकिन उसमें एक चैलेंज सामने ये भी आया है कि जो लावारिस चालान हैं जो जिनके पते बदल चुके हैं और उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो चालान वापस डिपार्टमेंट के पास ही आ रहे हैं, उसके लिए क्या रणनीति बनाई है। नहीं, एक्चुअली कुछ लोग हैं जो गलत नंबर वगैरह डाल के जी चला देते हैं या दूसरे के नंबर डाल के चला देते हैं, तो इस पर हम लोग गहन छानबीन करा के और जो भी हमारे पास फुटेज होते हैं, जो CCTV कैमरा के माध्यम से जो हमें फुटेज प्राप्त होते हैं उसके माध्यम से हम लोग परीक्षण कराते हैं और सही व्यक्ति तक पहुँचने में हम प्रयास करते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सर जिस तरीके से ट्रैफिक डिपार्टमेंट राजधानी की सड़कों को जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार अब कैंपेन और कई तरीके से अभियान चला रहा है, इसके बावजूद भी आज भी देखा जा रहा है कि जो बिना परमिट के वाहन हैं वो सरपट दौड़ रहे हैं, जिन कोई भी देखा जाए कि उनका कोई रूट नहीं है, उसके लिए डिपार्टमेंट किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है उनके लिए। देखिए, हम लोग इस पर निरंतर प्रवर्तन करते हैं और हमारे जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है, जो भी अवैध वाहन हैं उन पर अवश्य कार्रवाई करें, और लगातार इस पर कार्रवाई भी हो रही है। जी हाँ, जिस तरीके से आपको बताया गया है कि 2022 में जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है किस तरीके से बदलाव करेगा और बदलाव करेगा और साथ ही साथ लोगों को जाम से निजात दिलाया जाएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ विनय कुमार शुक्ला, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।